देश में कोरोना संक्रमण के फैलाव के साथ प्रवासी मजदूरों की घर वापसी को लेकर विवाद जहां सियासी रंग लेता जा रहा है, वहीं अब बॉर्डर पर भी इसे लेकर होने वाली तनातनी को भी साफ तौर पर समझा जा सकता है। रविवार को जयपुर से भी ऐसी ही सूचना सामने आई, जहां राजस्थान और यूपी पुलिस प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के इशू के कारण आपस में भिड़ गए थे। आपको बता दें, यूपी राजस्थान पुलिस आपस में भिड़ गई। प्रदेश में लॉकडाउन के कारण पलायन करने पर मजबूर प्रवासी मजदूर सियासत के साथ अब जमीन पर भी श्रमिकों को लेकर हो रही पुलिस में तनातनी को लेकर राजस्थान यूपी पुलिस में श्रमिकों को लेकर बढ़ा तनाव। जी हां, आपको बता दें, प्रदेश में जहां राज्य सरकारों के बीच प्रवासी मजदूरों को लेकर तनातनी का माहौल दिखाई दे रहा है, तो वहीं इसी के साथ अब बॉर्डर पर भी इसे लेकर तनाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। रविवार को इसी से जुड़ी घटना राजस्थान यूपी बॉर्डर पर देखने को मिली। दरअसल हुआ यह कि राजस्थान से बिहार व झारखंड के मजदूर पलायन कर पैदल जा रहे थे, जो विगत दिन उत्तर प्रदेश की सीमा पर राजस्थान बॉर्डर पर भरतपुर जा पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको वहीं राजस्थान सीमा में ही रोक दिया। उसके बाद राजस्थान और यूपी पुलिस के बीच बॉर्डर पर तनाव की स्थिति देखी गई, जिससे कि प्रवासी मजदूरों को लेकर यूपी पुलिस ने राजस्थान पुलिस के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद दोनों तरफ से तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मामले को आगे बढ़ते देख आला अधिकारियों ने दखल दिया। इसके बाद समझाइश कर मामले को शांत किया गया। आपको बता दें कि मजदूर बैठे धरने पर। जी हां, राजस्थान और यूपी पुलिस के बीच तनाव होने के बाद मजदूरों की दिक्कतें बढ़ गईं, लिहाजा मजदूरों ने भी वहां बॉर्डर पर धरना दे दिया। लेकिन मामले को शांत करने के लिए आला अधिकारियों ने इसका भी हल निकलवाया, जिससे कि पलायन करने वाले मजदूरों के बॉर्डर पर धरना देकर बैठने व यूपी द्वारा सीमा में घुसने नहीं देने के विवाद के बाद दोनों राज्यों के अधिकारियों की ओर से वार्ता हुई, जिसमें निर्णय हुआ कि राज्य सरकारें व केंद्र सरकार फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य में भेजने के लिए ट्रेन की व्यवस्था करेगी। इसके बाद ही मजदूरों को यहाँ से भेजा जा सकेगा। तब तक ये लोग भरतपुर सीमा में ही रहकर खाना खाएंगे। फिलहाल मजदूर भरतपुर की रारा बॉर्डर पर हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि यूपी पुलिस ने मजदूरों को उत्तर प्रदेश की सीमा में जाने की अनुमति नहीं दी। साथ ही यूपी प्रशासन के अधिकारियों पर भी राजस्थान पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने उनके रवैये पर एतराज जताया। उन्होंने इस दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस को अनुशासन में रहने व सरकारों के निर्देशों के पालन करने हेतु कार्य करने की समझाइश की। भरतपुर के जिला कलेक्टर नजमल टेडल व जिला पुलिस अधीक्षक हैदर अली जैदी के अनुसार राजस्थान में मजदूरी करने वाले बिहार और झारखंड के मजदूर राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश सीमा से होकर अपने राज्यों की ओर जा रहे थे, मगर यूपी सरकार ने उनको अनुमति नहीं दी, जिससे ये लोग यहीं बैठे हुए हैं। इस दरमियान बॉर्डर पर थोड़ा तनाव भी पैदा हो गया था। अब इन मजदूरों को ट्रेनों से बिहार व झारखंड भेजने के लिए राज्य व केंद्र सरकार विचार विमर्श कर निर्णय लेगी, जिसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। जी सर, बताया था उत्तर प्रदेश के साथ में पिछले 2 और 3 मई को और 7 और 8 मई को हमने लगभग 20,000 से भी अधिक जो माइग्रेंट्स की लिस्ट थी उनको बहुत आसानी से पहुंचाया गया। कल शाम को जो झारखंड और बिहार के जो लोग आए थे, माइग्रेंट्स आए थे, उनको उत्तर प्रदेश ने लेने से मना कर दिया, तो ये बॉर्डर का थोड़ा टेंस स्थिति हो गई। लेकिन देर रात आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश प्रदान किए हैं कि जो भी लोग रास्तों में चल रहे हैं उनको हम अपने स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर में ठहराएँ, और जयपुर से इनके लिए ट्रेन्स की व्यवस्था की जा रही है। तो जैसे जैसे शासन के निर्देश मिलेंगे, इनको प्रत्येक श्रमिक को, प्रत्येक प्रवासी को जो आज रोड पर चल रहा है, ट्रेन्स के माध्यम से हम उनको उनके घरों तक पहुंचाएंगे। आज सुबह लगभग 8 बजे ये भरतपुर बॉर्डर पर चौकी, मुगरा थाने की चौकी है जयजमपट्टी, यहाँ कुछ बिहार के मजदूर लाए गए राजस्थान पुलिस द्वारा, जिनके पास मेडिकल चेकअप के कोई प्रमाण भी नहीं थे और कोई भी उनका लिखित में कोई संख्या भी निश्चित नहीं थी। जबरन उन्होंने यूपी सीमा में प्रवेश कराने की कोशिश की। बैरियर पर उपस्थित चौकी जयजमपट्टी प्रभारी पुष्पेंद्र और अनुज कुमार द्वारा उनको रोकने की कोशिश की गई और अभिलेख मांगे गए, फिर भी उन्होंने हरियाणा पुलिस के SI वगैरह द्वारा मारपीट की गई और बैरियर को तोड़ा गया।
राजस्थान उद्योगा थाना प्रभारी राजस्थान सीआई द्वारा मारपीट की घटना कार्य की गई, जिसमें हमारे दो एसआई पुष्पेंद्र कुमार अनुज कुमार के हाथों में काफ़ी चोट आई है। उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है और अभी वार्ता चल रही है, शीघ्र ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। सीआई का क्या नाम था, मारपीट की थी? सीआई अभी देख रहे हैं, सीआई हमारे पास वीडियो है, वीडियो से चिन्हांकित होंगे कौन कौन थे और है, और यहाँ चिन्हांकित करने के पश्चात निश्चित ही विधि कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।